बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है, वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, वो क्या बोलेगा। नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर है। तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर कई सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इसी के साथ साथ कई सवाल कर रहे हैं, जैसे वो सवाल करते हुए नजर आए कि क्या बिहार में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग अनपढ़ है, क्या वो सरकारी स्कूल में नहीं गए हैं, क्या मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा हूं। इसी के साथ कई सवाल दागते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। तो वही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो अनपढ़ व्यक्ति है, ना ही उन्हें ज्ञान है, ना ही किसी और विषय का ज्ञान है, बस वो बकबकाना जानते हैं। इसी के साथ साथ बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में जितने भी अपराधी है वो सब के सब RJD में शामिल है। इसी के साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आपको वो सुने। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है, वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, वो क्या बोलेगा। वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं, दूसरे पर खाली है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा हराओ। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं कौन लोग हैं। आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है। एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया के यहां काम कर रहे हैं, सबको मालूम है, ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया। पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया है और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। RJD का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में बताओ, इस देश में किस पार्टी में RJD से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने RJD में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं। हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं कि क्या बात करेंगे ये लोग। तेजस्वी यादव पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि तेजस्वी यादव ने ना ही कभी पढ़ाई की है, ना ही कभी स्कूल गए हैं, ना ही उन्हें किसी चीज का ज्ञान है, ना ही किसी विषय पर वो बोल सकते हैं, इसीलिए वो बकवास करते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इसी के साथ साथ बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि जितने भी बालू माफिया है वो सब के सब RJD में शामिल है। इसी के साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए प्रशांत किशोर सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।